थ्रीज ऑफ थ्रीडायमेंशनल ज्योमेट्री के 14th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले थ्रीडायमेंशनल ज्योमेट्री पर मैं 13 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके थ्रीडायमेंशनल ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ। आप यदि मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेस को क्लिक करें। एमए क्लासेस को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में एसक्यू लाइंस के बारे में बताया हूँ और दो एसक्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अगर विक्टर इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसकी चर्चा किया हूँ। आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन प्रेस करके उस वीडियो में जा सकते हैं। अगर आप पहले उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि एसक्यू लाइन किसको कहते हैं। जैसे प्लेन पर अगर दो लाइन होता है तो वो या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन स्पेस में ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइन ऐसा हो सकता है कि जो ना तो पैरेलल होगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। आप देखिए, ये जो लाइन है, इस तरीके का लाइन ले रहे हैं, ये नीचे से गया है और ये उसके ऊपर से क्रॉस किया है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और दोनों पैरेलल भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ये पैरेलल भी नहीं है। अगर ऐसा लेते हैं तब ये पैरेलल हुआ, और अगर ये पैरेलल है तो वो कोप्लेनर हो जाएगा, एक ही प्लेन पर आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग इस तरीके से दो लाइन लेते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये निश्चित रूप से एक प्लेन पर आ जाएगा। कैसा आएगा, देखिए इस प्लेन पर आ जा रहा है, तो अगर वो पैरेलल है तो कोप्लेनर हो जाएगा। अगर इंटरसेक्ट भी करता है, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भी एक प्लेन पर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही पैरेलल है, तो इसको हम लोग कहते हैं एसक्यू लाइन। और एसक्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, देखिए एक ऐसा लाइन मिल जाता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। ये जो आपका मार्कर दिख रहा है, ये दोनों लाइन पर, दोनों एसक्यू लाइन जो है उस पर परपेंडिकुलर है, और इसका जो डिस्टेंस होगा इसी को कहेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एसक्यू लाइन है उस पर हम लोग एक ऐसा लाइन लेते हैं जो दोनों एसक्यू लाइन पर परपेंडिकुलर है। पेयर ऑफ एसक्यू लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो परपेंडिकुलर है, दोनों पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसका, इसी को हम लोग कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है, तो विक्टर इक्वेशन अगर लाइन का दिया हुआ हो तो उसको कैसे निकालते हैं पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। मैं आज बताऊंगा कार्टेशियन इक्वेशन अगर दिया हुआ हो तो कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, और इसका दो मेथड बताऊंगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड में देखिए, सवाल में ले रहा हूँ कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स हुज इक्वेशंस आर, ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और इस लाइन का हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लाइंस जो दिया हुआ लाइन है उसको लिख जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन x माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री और इक्वल टू जेड है, तो जेड को हम लोग लिख रहे हैं जेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाई वन। जेड में जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे जेड और डिवाइडेड बाई वन जेड ही आएगा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो सिमेट्रिकल फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग इक्वेशन लिख जाते हैं। आप जानते हैं कि x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी वन, ये एक लाइन का इक्वेशन है। और कैसा लाइन है, ये लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन।
तो ये एक ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट ये है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए वन बी वन सी वन है। तो अगर लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो इसी फॉर्म में लिख लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है वो यूनिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड जो फॉर्म है सिमेट्रिकल फॉर्म, उसमें एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट यूनिटी है। आप पहले चेक कर लीजिएगा कि वो यूनिटी है या नहीं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है 2x-1/5 इक्वल टू 3y-2 1/7 इक्वल टू 1-z/5। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट को 1 कर लेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 से न्यूमरेटर डिनोमेटर में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिएगा, x-1/2 / 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से न्यूमरेटर डिनोमेटर में डिवाइड कर दीजिए, y का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y-1/3 / 7/3। और यहाँ पर z का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड कर दीजिए। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो z पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ -1/-5 हो जाएगा। तो अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इस फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। कभी कभी स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज कर जाते हैं, यहीं से डायरेक्ट आगे का स्टेप शुरू कर देते हैं। तो पहले इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में ले आना है, उसके बाद आगे का काम करना है। तो हम लोग इसी फॉर्म में ला रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि ये जो लाइन था वो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये z-z1 होना चाहिए। तो z-z1 यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट नहीं है तो z-0 कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 1। अब ये दूसरा जो इक्वेशन है, सेकेंड लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिख रहे हैं, तो x+1/3 इक्वल टू y-2/1। और यहाँ ये दोनों तो इक्वल है और फिर z इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, ये अलग से लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जरा समझिए ये कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर ये दोनों तो इक्वल है और z इक्वल टू 2 अलग से लिखा हुआ है, तो ऐसा सेट कीजिए ताकि यहाँ से z इक्वल टू 2 भी आ जाए। तो क्या करना है, इसका तरीका क्या होता है कि आप 2 को इधर ले आइए, z-2 हो जाएगा और z-2/0 कर दीजिए। अब देखिए ये मान लीजिए किसी के साथ इक्वेट कीजिए, इसके साथ या इसके साथ, तो देखिए ये आ जाएगा। ये दोनों तो इक्वल है ही और यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। और यहां पर क्या बच जाएगा, z-2 बच जाएगा, ये 0 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 0 मल्टीप्लाई करने पर पूरा 0 और जे इक्वल टू z-2, यहाँ से z इक्वल टू कितना आ जाएगा, z इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि ये 2 को हम लोग इधर ले आए, z-2 कर दिए और डिनोमेटर में 0 कर दिए। तो ये दोनों लाइन जो है वो अब सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया। अब जब सिमेट्रिकल फॉर्म में आ चुका है तब इसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग, कंपेयरिंग दिज इक्वेशंस विद द इक्वेशंस x-x1/a1 = y-y1/b1 = z-z1/c1। इसके साथ फर्स्ट को कंपेयर करेंगे और सेकेंड को इसके साथ कंपेयर करेंगे, x-x2/a2 = y-y2/b2 = z-z2/c2 रेस्पेक्टिवली वी गेट। तो इसके साथ कंपेयर करके क्या आएगा जरा देखिए, यहाँ से x1 को कंपेयर कीजिए, फर्स्ट को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो x-x1/a1, x1 की जगह है यहाँ पर 1 तो x1 की जगह 1 हो गया। और फिर y1 की जगह देखिए y-y1/b1 इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं y-y1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, तो y-y1 आ जाएगा। तो y1 की जगह क्या हो गया, y1 के जगह हो जाएगा -1। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे देखिए -y1 के जगह +1 है तो y1 की जगह -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर z1 के जगह जो है वो 0 है, z1 = 0 हो गया। और फिर a1 के जगह क्या है, नीचे डिनोमेटर a1 b1 c1 है तो a1 के जगह 2 हो गया, a1 के जगह 2 है। और b1 के जगह हम लोग को देखते हैं हम लोग क्या है, b1 के जगह 3 है। फिर लास्ट c1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ये 1 हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है तो देखिए x2 का वैल्यू यहाँ से अगर कंपेयर कीजिएगा तो x2 का वैल्यू -1 होगा। फिर y2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और z2 का वैल्यू देखिए, z2 का वैल्यू 2 है और फिर हम लोग a2 b2 c2 निकाल लेंगे। तो डिनोमेटर a2 = 3, b2 = यहाँ से देखिए b2 का वैल्यू 1 है और फिर c2 का वैल्यू 0 है। तो इससे हम लोग कंपेयर करके ये निकाल लिए।
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए उसको देखते हैं। अब लिखेंगे देयर फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स वन एंड टू, लाइन वन और टू का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, एक डिटर्मिनेंट लगाना है, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट क्या लेना है जरा समझिएगा, इसका फॉर्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर वाई टू माइनस वाई वन और फिर जेड टू माइनस जेड वन। इसके बाद यहाँ पर लिखना है ए वन बी वन सी वन और यहाँ पर लिखना है ए टू बी टू सी टू और डिवाइड करना है हम लोग को किससे, या देखिए एक रूट अंडर से डिवाइड करेंगे। रूट अंडर में क्या लिखेंगे यहाँ से समझिएगा, ए वन बी टू इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा करेंगे, ए वन बी टू इन माइनस ए टू बी वन लिखना है, ए टू बी वन और इसका फिर हॉल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन और इसका हॉल स्क्वायर कर देना है और प्लस सी वन ए टू यहाँ पर लिखेंगे सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन और इसका हॉल स्क्वायर कर देना है, तो इससे डिवाइड कर देना है और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखे हुए हैं, तो एक्स टू का वैल्यू क्या है माइनस वन और एक्स वन का वैल्यू वन है, तो x2 टू माइनस एक्स वन मतलब माइनस वन हो जाएगा, x2 का वैल्यू माइनस वन है और x1 का वैल्यू माइनस वन वन है। फिर y2 टू माइनस वाई वन, तो देखिए y2 का वैल्यू टू और y1 का वैल्यू माइनस वन है, तो y2 का वैल्यू टू और y1 का वैल्यू माइनस वन और खुद माइनस है तो ये प्लस वन हो जाएगा। फिर z2 टू माइनस जेड वन, तो z2 का वैल्यू टू है और z1 का वैल्यू जीरो है तो टू माइनस जीरो हो जाएगा। फिर ए वन बी वन सी वन का वैल्यू देखिए, ए वन बी वन सी वन का वैल्यू टू थ्री वन है तो यहाँ पर हम लोग टू थ्री वन लिख जाते हैं और फिर ए टू बी टू सी टू का वैल्यू थ्री वन जीरो है तो यहाँ पर थ्री वन और जीरो लिख जाते हैं और डिवाइडेड बाय जहाँ समझिएगा ये नीचे क्या लिखना है, तो नीचे तो मैं तरीका बताया हूँ अभी, उसी तरीके से आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं या वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे टू को वन से मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू वन माइनस थ्री इंटू थ्री इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए थ्री इंटू जीरो, थ्री इंटू जीरो माइनस वन इंटू वन इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर आगे इसको छोड़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर वन इंटू थ्री तो वन इंटू थ्री माइनस जीरो इंटू टू तो जीरो इंटू टू का होल स्क्वायर। अब चेक कीजिए ये ऊपर यही है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर लिखे हुए हैं, फिर b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर लिखे हुए हैं, फिर यहाँ से आइए c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब देखिए इसको हम लोग डिटर्मिनेंट को भी एक्सपेंड कर लेंगे, नीचे का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या है पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टू थ्री है और टू है, यहाँ पर टू थ्री वन है और थ्री वन जीरो है तो ये तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। और नीचे का वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, रूट अंडर टू माइनस नाइन हो जाएगा तो टू माइनस नाइन माइनस सेवन का होल स्क्वायर फोर्टी नाइन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं ये जीरो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, फिर ये थ्री और माइनस जीरो तो थ्री का होल स्क्वायर नाइन हो जाएगा तो ये हो गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो एक्सपेंड करने के बाद कितना आएगा, माइनस टू यहाँ पर थ्री इंटू जीरो जीरो हो जाएगा और माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस होगा माइनस थ्री और इसके साथ में हम लोग टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा और माइनस थ्री इंटू वन थ्री और फिर आगे लिखेंगे प्लस टू, टू के साथ में क्या होगा, टू वन जा टू और थ्री थ्री जा नाइन यानी कि टू माइनस नाइन और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है, नीचे रूट अंडर हो जाएगा, नाइन प्लस वन टेन और फोर्टी नाइन फिफ्टी नाइन हो गया। ऊपर चेक कर लीजिए कितना आता है, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर नहीं होगा, ये होल स्क्वायर मिस्टेक से लिखा हुआ है, तो माइनस टू माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू और प्लस फिर नाइन आ रहा है और वहाँ पर आप देखिए माइनस सेवन टू जा माइनस फोर्टीन आ रहा है और डिवाइडेड बाय रूट अंडर फिफ्टी नाइन तो ये आ गया नाइन टू इलेवन माइनस फोर्टीन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय रूट अंडर 59 और ये डिस्टेंस बता रहा है तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। मैं पहले बताया था कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है,
तो इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 59 टेकिंग पॉजिटिव साइन। हम लोग यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है। दो स्क्यू लाइन जो है या जो भी दो लाइन है ये, उस दोनों लाइन का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया। तो इस तरीके से एक मेथड हो गया। और एक दूसरा मेथड भी है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए वो सेकेंड मेथड को देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखते हैं कि कैसे सेकेंड मेथड से हम लोग बना सकते हैं इस लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं दो दिए हुए लाइन का। तो जरा समझिए, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे गिवन लाइन्स आर, ये दो लाइन जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। और कैसे लिखेंगे, मैं अभी बता रहा था जेड इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो इसको इधर ले आए जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0, तो मैं इसके पहले समझा चुका हूँ। तो इस दोनों लाइन को लिख लिए हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जरा समझिए कि ये जो लाइन है सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन है, ये कौन सा लाइन के बारे में बता रहा है। ये बता रहा है एक ऐसा लाइन जिसका जो पास कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 होगा। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है वो होगा a1, b1, c1, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन रेशियो। तो ये एक ऐसा लाइन हो गया जो इस फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है और उसका डायरेक्शन रेशियो ये है। अब देखिए आगे कि वेक्टर इक्वेशन क्या होता है लाइन का, r इक्वल टू a प्लस लेमडा b होता है। a क्या बताता है, a बताता है जहाँ से ये पास कर रहा है उस फिक्स्ड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। जैसे ये पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इक्वल टू a होगा। और b क्या होता है, b एक वेक्टर होता है जिसके पैरेलल लाइन होता है। ये जो लाइन है वो वेक्टर b के पैरेलल होता है। तो a को अब कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर a को कैसे लिख सकते हैं, a तो इसी का पोजीशन वेक्टर है। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, जब कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। जब कोऑर्डिनेट पता है इस पॉइंट का तो इसका पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। और वेक्टर भी बताता है जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है। तो जरा समझिए, इसका डायरेक्शन रेशियो ये है और ये वेक्टर इसके पैरेलल है, इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही होगा। क्योंकि दोनों पैरेलल है इसका डायरेक्शन रेशियो भी यही आएगा। तो वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी को हम लोग लिख सकते हैं जब डायरेक्शन रेशियो पता है तो इसका वेक्टर लिखा जा सकता है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। तो अगर कोई लाइन का कार्टिजन इक्वेशन दिया हुआ है उसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर इक्वेशन में ए कहाँ से निकलता है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वहाँ से हम लोग ए निकाल लेते हैं। और वेक्टर बी कैसे निकलता है, ये जो डायरेक्शन रेशियो है उससे वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करते हैं। देखिए कि ये जो लाइन दिया हुआ है इसको सबसे पहले लिखते हैं कि सिंस लाइन वन पासेज थ्रू पॉइंट वन माइनस वन जीरो, ये कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पर x1, y1 और z1 से कंपेयर कीजिएगा, तो x-x1, y-y1, z-z1 होता है। तो x1 की जगह 1, y1 की जगह -1, z1 की जगह 0। तो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड हैज डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्शन रेशियो क्या है 2, 3, 1 है, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो पॉइंट पता चल गया जहाँ से पास कर रहा है, इसका डायरेक्शन रेशियो पता है, तो सो इट्स वेक्टर इक्वेशन इज r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1। इसका वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं r इक्वल टू a1 प्लस लिमडा b1, जहां पर a1 क्या बताता है, जिस पॉइंट से पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा, यहां से पास कर रहा है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 0 k कैप। और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 जहां से पास जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वहां से b1 निकल जाएगा, तो b1 इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1 k कैप यानी k कैप। इस लाइन को हम लोग 3 किए हुए हैं। अब इस लाइन को भी हम लोग वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस लाइन 2 जो है, लाइन 2 पासेज थ्रू, ये कहाँ से पास कर रहा है आप कोऑर्डिनेट देख सकते हैं इसको कंपेयर करके, तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जो है वहाँ से अगर कंपेयर कीजिएगा x-x2, y-y2, z-z2 से, तो ये पास कर रहा है -1, 2, 2 से, पासेज थ्रू -1, 2, 2 एंड हैज डायरेक्शन रेशियोज। इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो 3, 1, 0 हो गया, 3, 1, 0। अब इसका सो इस इट्स
विक्टर इक्वेशन, हम लोग विक्टर इक्वेशन लिखते हैं, तो विक्टर इक्वेशन इज यहाँ पर लिखेंगे विक्टर आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। तो यहाँ से ए टू का वैल्यू क्या होगा, इसको नंबर फोर कर देते हैं। तो जहाँ पर ए टू का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो विक्टर ए टू का वैल्यू हो जाएगा, देखिए कहाँ से लिख सकते हैं, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजिशन विक्टर होता है, तो माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप। और b2 इक्वल टू क्या होगा, विक्टर b2 डायरेक्शन रेशियो से निकल जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियो 310 है, तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, ये हो गया। इसको हम लोग विक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए, और जब विक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए देयरफोर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स 3 and 4, बिटवीन लाइन्स 3 and 4 इज गिवन बाय, ये जो 3 और 4 लाइन लिखे हैं उसका कैसे लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 3 लाइन ये है और 4 लाइन ये है विक्टर इक्वेशन में, तो इज गिवन बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखते हैं ए टू विक्टर ए टू माइनस विक्टर ए वन डॉट मॉड सॉरी विक्टर बी वन क्रॉस विक्टर बी टू और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं मॉड ऑफ विक्टर बी वन क्रॉस विक्टर बी टू, मॉड ऑफ विक्टर बी वन क्रॉस विक्टर बी टू से, और फिर इसका हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, लेकिन पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए टू माइनस ए वन, तो ए टू का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, वहाँ से लिख जाते हैं। तो ए टू का वैल्यू देखिए, ए टू का वैल्यू माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप है, माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप है। और फिर ए वन का वैल्यू लिखते हैं, तो ए वन का वैल्यू देखिए यहाँ पर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो कैप, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस जीरो के कैप। अब ये डिफरेंस कर लीजिए, माइनस आई माइनस आई, माइनस टू आई हो जाएगा, टू जे और प्लस जे, यहाँ पर प्लस जे हो गया, और टू के माइनस जीरो यानी कि ये टू के हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं b1 क्रॉस b2, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो b1 का वैल्यू हम लोग को पता है, b1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तो b1 का वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस सॉरी b1 का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 3j कैप प्लस k कैप है। और फिर b2 का वैल्यू हम लोग लिख जाते हैं, तो v2 का वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 कैप, तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तरीका होता है i यहाँ लिखेंगे, डिटर्मिनेंट से निकलता है j, और फिर k यहाँ लिखेंगे 2 3 1, और यहाँ लिखेंगे 3 1 0। अब इसका इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 माइनस 1, ये सॉरी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 1, माइनस वन इंटू आई, माइनस आई आ जाएगा। और फिर j के लिए 0 माइनस 3 और फिर माइनस 3 होता है, तो प्लस 3j। और यहाँ पर k के लिए 2 माइनस 9, माइनस 7, तो ये आप खुद करके देख सकते हैं, तो ये निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 भी निकाल लेंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 अभी हम लोग निकाले हुए हैं, माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है b1 क्रॉस b2, ये भी निकाले हुए हैं, माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, इसका जो i का कोएफिशिएंट है और इसका i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, और 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 टू 5 5 में 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में 14 सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 9 आ रहा है, थोड़ा यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है, 2j और माइनस माइनस प्लस j होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3j, तो ये 3j होगा, तो यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं ए टू माइनस ए वन यहाँ पर भी 3 होगा, और जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 माइनस 7 माइनस 14, तो 9 प्लस 2 11 11 में 14 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस 3 आ रहा है। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग,
यहाँ पर मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू भी निकाल लेते हैं। तो बी वन क्रॉस बी टू का मॉडुलस क्या होगा, बी वन क्रॉस बी टू का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा माइनस वन का हॉल स्क्वायर प्लस थ्री का हॉल स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का हॉल स्क्वायर। तो ये आप देखिए सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है, तो 1 + 9 10 प्लस 49 तो 59 आ जाएगा, रूट अंडर 59। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अब हम लोग 5 जो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला आया है उसमें पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 5 से हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ e2 - e1 dot b1 cross b2, जिसका वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, इसका वैल्यू निकला हुआ है -3 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 cross b2, इसका भी वैल्यू निकला हुआ है रूट अंडर 59। तो ये हो गया मॉड, अगर लगा देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 by root under 59, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, एक तरीका होता है कि कार्टिजियन फॉर्म से ही हम लोग बना लें, और दूसरा तरीका होता है कि कार्टिजियन फॉर्म को हम लोग पहले वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर वेक्टर इक्वेशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है उस फार्मूला से फिर हम लोग निकाल करके आगे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसका यूज करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स ये दो तरीका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, कार्टिजियन फॉर्म में दिया हुआ रहे, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहे तो वेक्टर फॉर्म का तो अभी मैंने बताया ही, या पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपके बुक में दो पैरेलल लाइन का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होगा सवाल, तो आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा कि पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं नए टॉपिक अब मैं प्लेन स्टार्ट करूँगा, ये स्ट्रेट लाइन कम्प्लीट हो गया, अब नए वीडियो में मैं जो है वो प्लेन से स्टार्ट करता हूँ। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।